गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 17 जनवरी 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 23। And the name of the chapter is The Land of India. The Land of India. The Land of India. So student, let do little recapitulation. What we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you the different physical division of our country, that is Himalayas range, in which I explained you the three parallel ranges, that is Himadri, Himachal, or you can say Middle Himalayas, and Shivalik, or you can say Outer Himalayas. After that we discussed the importance of the Himalayas. Okay, after that we discussed the importance of the Himalayas. Next topic which I covered in this chapter is that Northern Plains. So student, these Northern Plains are created by three rivers, that is Indus, River Ganga and River Brahmaputra. So these Northern Plains are divided into three parts, that is Western Plains formed by Indus River, and Central Plains that is formed by River Ganga, and the Eastern Plains that is formed by River Brahmaputra. So two states which are in Western Plain, that is Punjab and Haryana, and in Central Plains Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, and Eastern Plains that is formed by River Brahmaputra, and the state which is covered by this Eastern Plain is Assam, and these are very fertile. These are very fertile. They having a very fertile soil, and this soil is very good for the crops. So 70% of the wheat produced in the Northern Plains and 50% of rice is produced in Northern Plains. Very good network of roadways and railways is in Northern Plains. That is the reason the things are transported to different parts of the country. Then desert region. Then desert region. Desert region, it means we are talking about the region is area. Now, so how the land is changed in the form of a desert? It means this region receive a very less rainfall. That is the reason the soil crumbles. Matlab soil kya ho jati hai? The soil becomes dry and crumbles,
सॉइल क्या हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और ये टूटने लगती है। इज इट क्लियर? सो इन द डेजर्ट एरिया यू विल सी सैंड ड्यून्स, रेत के टीले आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? डेजर्ट एरिया में। और व्हेन वी आर स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, देन इट इज अ थार डेजर्ट। यू कैन ऑल्सो से ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड दिस ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज नोन एज थार डेजर्ट। एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थार डेजर्ट स्टूडेंट, देन दिस थार डेजर्ट इज इन नेबरिंग कंट्री ऑल्सो, आवर नेबरिंग कंट्री, आवर दैट इज पाकिस्तान। सो 85% ऑफ द डेजर्ट, थार डेजर्ट इज इन इंडिया एंड 15% पार्ट ऑफ दिस थार डेजर्ट इज इन पाकिस्तान, बिकॉज आफ्टर फ्रीडम इंडिया इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन कंट्री इज इंडिया एंड अनदर इज द पाकिस्तान। ओके, सो स्टूडेंट द पॉपुलेशन एंड वेजिटेशन इन दिस रीजन इज वेरी लेस। वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधों को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत लेस है और पेड़ पौधे भी बहुत कम है, बिकॉज द कैक्टस बबूल यही सब के आपको पेड़ मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। अब देखो रीज़न क्या है और स्पेशलिटी क्या है, यहाँ जो भी प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है डैट इज़ वेरी डीप, उनकी रूट्स क्या है बहुत डीप है, क्यों? डेजर्ट एरिया है, ड्राई एरिया है, सॉइल क्या है ड्राई है बिल्कुल, तो डैट इज़ द रीज़न देयर रूट्स आर वेरी डीप सो डैट दे कैन ऑब्जर्व द वाटर दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, को वो ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। सो और जो यहाँ प्लांट्स होते हैं बेटा, इनकी जो लीव्स होती है ना डैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो डैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेस। जिस तरह हम लोग गर्मी में, वन द वेदर इज वेरी हॉट वी स्वेट, हमारे बदन से बहुत पसीना निकलता है, इससे क्या होता है हमारी बॉडी क्या टेम्परेचर को मेनटेन रखती है, कूल रखती है। जब पसीना निकलता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। इन द सेम मैनर प्लांट्स आल्सो दे यूटिलाइज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड एंड दे आल्सो लॉस वाटर फ्रॉम द लीव्स, देयर आर टाइनी पोर्स, होल्स भी कह सकते हो इन द लीव्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमेटा। सो इन्हीं स्टोमेटा ओपनिंग से वाटर क्या करती है लीव्स लूज करती है। तो एरिया ऑलरेडी बहुत हॉट वेदर वाला है, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लेस हो इसलिए यहाँ के जो पेड़ हैं इस एरिया में रीजन में उनकी लीव्स क्या स्मॉल होती है और कांटे बहुत होते हैं, ठीक है। तो लाइफ जो है यहाँ बहुत टफ है, किसमें? डेजर्ट एरिया में, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से क्या है, इवन ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इन दिस एरिया। सो दिस एरिया द पॉपुलेशन इज ऑल्सो लेस एंड वेजिटेशन इज ऑल्सो वेरी लेस बिकॉज एरिया इज टोटली ड्राई एंड इट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये किससे कवर है? रेत के टीलों से कवर है, ठीक है। और यहाँ के लोगों को बंजारास भी बोला जाता था, क्यों? क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते थे, जहाँ पे लिविंग कंडीशन इतनी टफ है, वाटर ही नहीं होगा, वाटर के बिना लाइफ है हमारी नहीं, तो लोग क्या करेंगे, उस प्लेस को लेफ्ट करके ऐसी जगह पे ही जाएंगे ना जहाँ लिविंग कंडीशन इतनी टफ ना हो। बट अब प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो अब
जो डेजर्ट एरिया में स्पेशली मैक्सिमम थार डेजर्ट ने किसको कवर कर रखा है, राजस्थान को। तो अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज की डेट में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, बिकॉज जो सतलुज रिवर पे डैम है डेट इज भाखड़ा नंगल डैम, और इसका वाटर अब कहाँ जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है। सो इससे क्या है, राजस्थान के लोगों की लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई हैं विद द हेल्प ऑफ ए कैनल। नहर को कैनल बोलते हैं, जो बच्चे विलेजेस में जाते होंगे ना, तो आप अपने घरों विलेजेस में देखते हो कि नहर का पानी आता है। नहीं, लोग कहते हैं नहर के पानी पे नहाने भी जाते हैं, ठीक है। और इस वाटर को फार्मर्स कल्टीवेशन में, ठीक है, खेती के समय सिंचाई होती है ना, जिसको इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है, खेतों में पानी लगाना पड़ता है जब क्रॉप लगाते हैं, जिससे सॉइल क्या सॉफ्ट हो, ठीक है। सॉइल में जब नमी होगी, वाटर होगा, तभी तो प्लांट्स उसमें लग सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राई सॉइल होगी तो प्लांट्स उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन द विलेजेस दिस कैनल्स वाटर, जिसको आप हिंदी में कहते हो नहर का पानी, दिस वाटर इज यूज फॉर द कल्टिवेशन पर्पस। सो नाउ व्हेन द सतलुज रिवर वाटर थ्रू द कैनल एंड नेम ऑफ द कैनल इज इंदिरा गांधी कैनल। अब ये वाटर जब राजस्थान में जाने लगा कैनल के थ्रू, क्योंकि डैम बन गया सतलुज रिवर पे, तो राजस्थान के पीपल्स की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई। अब राजस्थान में भी बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे बेटा क्रॉप्स ग्रो होती हैं, मीन्स कल्टीवेशन होता है राजस्थान में भी, ठीक है। क्योंकि वाटर जो इतना स्कैरसिटी ऑफ वाटर थी, अब वो क्या है, कम हो गई है पहले से। क्यों? क्योंकि डैम का वाटर जा रहा है थ्रू इंदिरा गांधी कैनल्स, कैनल के थ्रू जा रहा है। ये नहर जो है कितनी लंबी है, 650 किलोमीटर बड़ी है, ठीक है, 650 किलोमीटर। तो इससे राजस्थान के लोगों की लाइफ में बहुत सी चेंजेस आए, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम का भी बता रहा हूँ, ठीक है। अनदर थिंग इज डैट, अब आप राजस्थान में जाओगे तो आपको वैरायटी ऑफ व्हीकल्स राजस्थान में भी देखेंगे, रोड हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है, ठीक है। जब बहुत पास्ट की जब बात कर रहे थे तब सैंड ही सैंड था, ठीक है, उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नाउ लॉट ऑफ चेंजेस यू विल सी इन राजस्थान ऑल्सो। और जहाँ जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा हॉट है, सो एट द टाइम ऑफ समर, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन बेटा जब विंटर आती है ना, तो यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, मतलब एकदम शरीर कांपने लगता है, बिटरली कोल्ड पड़ता है यहाँ। क्योंकि देखो सैंड की क्या क्वालिटी होती है, सैंड सन के लाइट से बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है, सनलाइट से सैंड बहुत तेजी से हीट हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब सनलाइट नहीं होती है तो वो हीट भी बहुत फास्ट होता है, तो सैंड कूल भी बहुत जल्दी होता है, और जिसके कारण विंटर में बहुत बिटरली कोल्ड होता है, यहाँ बहुत ठंड होती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और इस रीजन की पॉपुलेशन अदर रीजन से अगर हम कंपेयर करें, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोग सेटल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अदर रीजन से हम कंपेयर करें, मतलब दूसरे इंडिया के दूसरे एरिया से हम लोग कंपेयर करें, तो उस कंपेयर में यहाँ राजस्थान में पॉपुलेशन जो है वो क्या है बेटा, लेस पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब राजस्थान का भी डिस्कस कर लिया अब हम लोग ने, थार डेजर्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार रिवाइज भी करा दिया। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, साउदर्न प्लेट्यूज, ठीक है। जब हम प्लेट्यूज की बात करते हैं तो आप भी आ जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे साउदर्न प्लेट्यूज, ठीक है। सो
सो स्टूडेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेट्यूज, जब हम लोग प्लेट्यूज की बात करते हैं बेटा, तो ये जो आपके प्लेट्यूज हैं ये क्या है, ये इसे टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स क्या थे, बिल्कुल प्लेन थे। अब ये प्लेट्यूज क्या है, ये प्लेन ना होके इनकी हाइट है, जैसे हिल्स और माउंटेन्स ऊंचे होते हैं इनकी भी हाइट होती है, लेकिन ऊपर जाके ये कैसे हैं, ऊपर जाके ये फ्लैट है, इसलिए इनको टेबल लैंड्स भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो वी से इट एज ए टेबल लैंड आल्सो, टेबल लैंड, ठीक है, टेबल की तरह, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी से देम टेबल लैंड आल्सो, ठीक है। ये बिल्कुल तुम लोग को स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा इसके डायग्राम को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है, ठीक है, और ऊपर जाके ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ये फ्लैट पोर्शन हो गया, ठीक है। सो नीचे से ऊंचे हैं और ऊपर क्या है, फ्लैट है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर देखो 6 फिजिकल डिवीजन है बेटा, हाउ मेनी फिजिकल डिवीजन वी हैविंग, वी हैव 6 फिजिकल डिवीजन है हमारे, माउंटेन्स है, फिर मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ाए, फिर डेजर्ट पढ़ाया, प्लेट्यूज फोर्थ है, फिफ्थ आपका आ जाएगा कोस्टल प्लेन्स, द एरिया वेयर द लैंड, वेयर द सी वाटर टचेज द लैंड, वो आपके कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे। और एक और है 6, जो कि आपके आइलैंड्स हैं, आइलैंड मीन्स पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है और वो पानी के बीचों बीच है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, आइलैंड्स बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, आप इसे आइलैंड्स बोलेंगे, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो डेकन प्लेट्यू, प्लेट्यूज की बात जब हम करते हैं तो मैंने क्या कहा है, ये किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ठीक है, ट्रायंगल की जैसे शेप होती है ना उस तरह है, ये ट्रायंगुलर शेप का है प्लेट्यू आपका, इज इट क्लियर? छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, जिससे थोड़ा पढ़ाने में इजी रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका प्लेट्यू है, ठीक है, ये जैसे कि ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का आपका प्लेट्यू है, ये डायरेक्शन आपकी क्या है, ईस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन ईस्ट की है, ये राइट हैंड साइड है, तो यहां क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, आ रहा है समझ में, यहां क्या कौन डायरेक्शन है, वेस्ट है, तो आपका यहां पे क्या है बेटा, अरेबियन सी, अरेबियन सी, और ये आपका कौन सा पोर्शन है, साउथ का पोर्शन है, ठीक है, तो ये यहां पे क्या है आपके, यहां के आपके हो जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, रुक जाइए एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर दें कि आप लोग को ज्यादा अच्छे से विजुअल हो जाए, ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये जो आपका है, ये क्या आपका साउथ है, साउथ, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंडियन, ये जो है आपका यहाँ क्या हो गया, इंडियन, इंडियन ओशन, ठीक है, ये थ्री साइड से, ये देखो इट इज सराउंडेड बाई थ्री साइड से सराउंडेड है, आप इंडिया का मैप देखोगे अपने बुक में, ठीक है।
ठीक है, देखो इसकी शेप लगभग क्या है, कैसी शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, कैसी शेप है, ट्रायंगल शेप है, ठीक है। ईस्ट किधर है, राइट हैंड साइड, यहाँ क्या है आपकी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वेस्ट में आपका आ गया अरेबियन सी, और साउथ में आपके आ गया इंडियन ओशन। मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या है, पेंसुला प्लेट्यू है, मतलब तीनों साइड से, फ्रॉम थ्री साइड इट इज सराउंडेड बाई द वाटर बॉडीज। तीन साइड से ये किससे सराउंडेड है बेटा, वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, ओके। फ्रॉम थ्री साइड इट इज सराउंडेड बाई द वाटर बॉडी, ये अरेबियन सी, वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशन, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज हैं। ये सब क्या है, वॉट आर दीज, ऑल दीज आर वाटर बॉडीज, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज हैं। अब देखो नेक्स्ट आपके बुक के हिसाब से ही चलते हैं, और थोड़ा डिटेल में बताना होगा तो वो भी मैं बता दूंगा। इफ यू वॉन्ट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ए प्लेट्यू तो आप लिख सकते हो, प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट, प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड विच इज हायर, विच इज हायर हायर देन द लैंड अराउंड अराउंड इट, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, इसलिए इसको हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, दैट इज द रीजन दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड, भी इसको हमने बोला। नाउ सी, अब जब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब देखो एक रिकैप्चुलेशन कर देते हैं। ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है ट्रायंगल शेप का है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, ठीक है। अब देखो जो हम सिक्स फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं बेटा, सिक्स फिजिकल डिवीजन, दैट इज माउंटेन्स हमने पढ़ा, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर डेजर्ट, फिर एक प्लेट्यू है, एक आपका कोस्टल प्लेन्स है, और एक आपका आइलैंड है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा फिजिकल डिवीजन है जिसने सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा है, क्योंकि हमने फिजिकल डिवीजन कितने पार्ट्स में पढ़ी है बेटा, सिक्स पार्ट्स में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कि उन सिक्स फिजिकल डिवीजन में सबसे ज्यादा एरिया किस डिवीजन ने, फिजिकल डिवीजन ने कवर करके रखा है, तो वो आपका प्लेट्यू है। सबसे ज्यादा पार्ट जो एरिया अर्थ का, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, अपनी कंट्री की फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पार्ट बेटा किसने कर रखा है, सबसे ज्यादा पार्ट आपका सिक्स फिजिकल डिवीजन में जिसने कवर कर रखा है वो है आपके प्लेट्यूज। किसने कर रखा है, आपके प्लेट्यूज ने, ये प्लेट्यूज ने सबसे ज्यादा आउट ऑफ सिक्स फिजिकल डिवीजन सबसे ज्यादा पार्ट इसी ने कवर करके रखा है, ठीक है। नाउ अब देखो, अब डिवीजन, ठीक है, नाउ अब इतना तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, इन द बुक द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेंसुला, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। पेंसुला इसको इसलिए बोला है बिकॉज फ्रॉम थ्री साइडेड इट इज सराउंडेड विद बाई वाटर, इसलिए से पेंसुला बोला है। विच इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ईस्ट, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू।
नाउ है साउदर्न प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ द पेंसुलर रीजन, ठीक है। अब क्या है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये इसके ऊपर क्या था, सबसे ऊपर क्या पढ़ाया था मैंने, माउंटेन्स रेंज पढ़ाई थी। ओके, सबसे ऊपर जब इंडिया के मैप में मैंने आप लोगों को माउंटेन्स रेंज बनाई थी, ठीक है, हिमालयाज रेंज, हिमाद्री, मिडल हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज या शिवालिक बोलोगे, और उसके बाद आपके आए थे नॉर्दर्न प्लेन्स। क्योंकि जब मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, देन आई टोल्ड यू वेयर आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज बिटवीन द हिमालयाज रेंज एंड पेंसुलर प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में थे नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब ये जो यहाँ पे मान लो ये हिस्सा नॉर्दर्न प्लेन्स का है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के किस डायरेक्शन में आपको प्लेट्यू मिला, साउथ में, ठीक है, क्योंकि ये इधर है साउथ में, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आपको क्या मिलेगा, पेंसुलर प्लेट्यू, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। और दिस प्लेट्यू इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज शेप्ड लाइक ए ट्रायंगल, इसे आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स के किस डायरेक्शन में है, क्योंकि देखो यहाँ पे हिमालयस थे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स था और ये प्लेट्यूज था, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय रेंज और प्लेट्यू के बीच में था। तो अब नॉर्दर्न प्लेन्स के किस डायरेक्शन में है, ये साउथ में, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है टॉप वाली डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन साउथ में है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के किस में, साउथ में है, और इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, इसे आप प्लीज अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। द इट इज लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इट शेप्ड लाइक ए ट्रायंगल, इसको आप क्या कर लेंगे बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए। और अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे भी अंडरलाइन कर लो, दिस प्लेट्यू स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, व्हाई मोस्ट रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हल्का सा टिल्टेड है, जैसे अर्थ पढ़ाते समय नहीं बताया था, अर्थ हल्की सी टिल्टेड है, टेढ़ी हल्की सी 23.5 डिग्री के एंगल में। इसी तरह अब ये जो डेक्कन प्लेट्यूज है, मान लो ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये कैसे बताऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, ठीक है, तो इधर वेस्ट है ना और इधर ईस्ट है, तो हल्का सा मान लो ये मेरा हैंड है तो हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है, हल्का सा ये क्या, टिल्टेड है इस तरह हल्का सा, इसलिए मोस्टली रिवर मतलब इधर की ओर हल्की ढलान है, स्लोप टाइप का, हल्का सा टिल्ट हो गया, मतलब इधर की ओर वेस्ट की ओर थोड़ा ऊंचा है और इधर क्या स्लोप बन रही है, तो मैक्सिमम रिवर्स जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर ही फ्लो करती हैं, और ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, ठीक है, और इधर से जो ईस्ट से जो रिवर वेस्ट में जाएगी वो किस में चली जाएगी, अरेबियन सी में, क्योंकि आप लोग को पता है इन द लास्ट क्या होता है, रिवर का वाटर किस में मिक्स हो जाता है, सी वाटर में। तो आपके जो ये डेक्कन प्लेट्यू, जैसे मेरा हाथ देखो अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, अब जो डेक्कन प्लेट्यू ये हल्का सा टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब इधर वेस्ट में हल्का ऊंचा है और ईस्ट की ओर स्लोप बन रही है, ठीक है, ईस्ट की ओर जैसे ये स्टेट है, हल्का सा टिल्ट मैंने किया तो वेस्ट की ओर ऊंचा है और ईस्ट की ओर स्लोप बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम रिवर्स जो है कैसे फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर कर रही है, क्योंकि इसकी स्लोप किधर बन रही है, ईस्ट की ओर कर रही है, ठीक है। और जितनी भी रिवर्स ईस्ट में जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, सो ऑल द रिवर्स वाटर गेट मिक्स विद द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो रिवर ईस्ट से वेस्ट में जाएगी उसका वाटर किस में मिक्स हो जाएगा, अरेबियन सी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, उसका वाटर बेटा अरेबियन सी में चला जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा, जो जो प्लेट्यू है इसकी ट्रायंगल शेप है, ये थ्री साइडेड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ डायरेक्शन में तुम्हारे प्लेट्यूज हैं, और प्लेट्यूज क्या हल्के से टिल्टेड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ, हल्के से हल्का सा टिल्टेड है, देखो वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो मैक्सिमम अब जो रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट की तरफ से, फ्रॉम वेस्ट जो रिवर्स फ्लो कर रही है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट,
क्या फ्लो कर रही है? रिवर, रिवर्स. सो दोज रिवर विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू कहां की हो जा रही है? ईस्ट में. वो किस में चली जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में उनका वाटर मिक्स हो जाएगा. और जो रिवर ईस्ट से चलेगी, ईस्ट से इधर की ओर आएगी, वेस्ट की ओर आएगी, तो उसका वाटर किस में चला जाएगा? दैट वाटर गेट मिक्स विद द अरेबियन सी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट.